देखिए भाई साहब पसंद हट गया। प्रदेश के विभिन्न जगह से जिलों से इस प्रदर्शनी में दो बजे तो का पंजीकरण कराए और अपने श्रेणी में आप अपने पशु को भाग लेना चाहते हैं उसकी कैटेगरी को सुनिश्चित करें। नई जगह हर पंडाल का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सभी पशुपालक भाई अपने पशुओं के पास ही खड़े रहे। माननीय मंत्री जी जायजा ले रहे हैं। व्यवस्थाएं मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज तक के इतिहास में इतना बड़ा मेला पशुपालन विभाग का कहीं ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। प्रदेश में क्या कहेंगे, तो पूरे देश में हमारा पशुधन का कहीं मुकाबला नहीं। और मंत्री जी का जो हर रोज दिन में 2 से 3 बार 4 बार कर रहे हैं और पशुपालकों को घर घर जा करके मेले का निमंत्रण स्वयं भी दे रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात। एक पंडाल का लगभग निरीक्षण पूरा हो गया है, बढ़ रहे हैं यहाँ पर और मुर्रा भैंस ध्यान दें। हमारे पास शेड्यूल आ चुका है जतिन का। आज हम अभी सिर्फ चार चरण के लिए हैं। आपके जो उम्र ध्यान से सुने 3/13 हमारी कैटेगरी को तैयार करना है। पहली कैटेगरी रिंग नंबर 1 में 3/13 साहिवाल बुल और कैटेगरी 2/8 हरियाणा एडल्ट बुल ये रिंग नंबर 3 में लगेगी। तो लीजिए। हेलो हेलो एक मिनट मास्टर जी। ओए मास्टर जी तू हट जा। मैं हेमंत कुमार मेरा नाम है। मैं कोसली गांव से आया हूं। यहां मेला देखने के लिए मेरे को भी काफ़ी पशुओं का मेला देखने का शौक है, अच्छे पशु रखने का शौक है। मुझे यहां आकर बड़ी अच्छी खुशी हुई है
तरह तरह के पशु देखने को मिले हैं और सरकार ने काफ़ी सुविधा की हुई है यहाँ पर, समझा। इससे क्या किस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा? इससे पशुओं को काफ़ी वो मिलेगा, पशुपालन को अच्छा वो मिलेगा देखने के लिए कि भाई ऐसे ऐसे पशु रहते हैं और उसमें और पशुओं को रखने का शौक मिलेगा। क्या क्या जानकारी यहाँ दी जा रही है? यहाँ हर मुर्रा नस्ल युवराज से कोई भी पशुओं का दूध वाले का झोटों के अच्छे अच्छे बीज का जानकारी दी जाती है। नाम क्या है सर आपका? हेमंत नाम है जी मेरा। क्या नाम है? मेरा नाम ईश्वर सिंह यादव है, मैं जिला रेवाड़ी कोसली हल्का से गांव का निवास से आया हूँ पशु मेला देखने के लिए, पशु प्रदर्शनी। यहाँ अच्छी बढ़िया उच्च क्वालिटी के पशु देखने पर हमें यह बहुत हर्षित हुए और इससे हमें काफ़ी अनुभव भी महसूस किया गया और सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, आने जाने की फ्री व्यवस्था की है और यहाँ मेले में प्रदर्शनी में हम ये प्रदर्शनी को देख के काफ़ी लाभ उठाएंगे। कुलदीप नाम जी ता झोटा है। तो क्या खासियत है जी झोटे की और क्या कहोगे मेले में पूछ के कैसा महसूस करें? बहुत अच्छा महसूस हुआ जी, 24 महीने का बच्चा ये, इसकी 5 फुट 8 इंच हाइट है। क्या इसकी और क्या खासियत मानते हो हाइट के अलावा, क्या कहोगे इसको लेकर? इसमें सबसे अच्छी चीज तो सहनशीलता है, इसमें शुद्ध है ये बिल्कुल। तो इसकी ब्रीड क्या है जी? इसकी UNS 16 का बीज है जी। क्या कीमत लगभग अंदाजन इसकी रहेगी? बेचते नहीं जी हम इसको। अच्छा बेचते नहीं, प्रदर्शन के लिए लाए जी। हाँ तो सर क्या खुराक वगैरह खिलाते हो इसको? इसको 10 किलो दूध पिलाते हैं, 5 किलो सेब खिलाते हैं, बाकी बिनोला गुड़। अच्छा बेचते नहीं, वैसे मार्केट रेट क्या हो सकता है? लगवाते नहीं हम कभी। तो मेले में इस पर के प्रदर्शन पर क्या टारगेट आपका, अभी किस तरह का इनाम लेना? बेस्ट आएगा ये, पहला नंबर बिल्कुल जी। तो नाम क्या है इसका? इसका ताज नाम है जी। क्या नाम है जी? महेंद्र है। तो क्या चीज़ के प्रदर्शन के लिए आप पशु मेले में पूछे हो? पशु को बढ़िया लेकर आए। हाँ अच्छा हाँ जी। तो इसकी क्या खासियत है जी? इसकी खासियत इसकी माँ का 25-26 लीटर दूध है, लंबा ऊंचा है, भीम झोटा का है। तो ये क्या कुछ इसके क्या खान पान क्या खर्चा खर्चा रहता है? खान पान तो चाट चूट खुआवा, हरा चारा खुआवा, ये सामने खुआवा। नाम क्या है जी आपका? महेंद्र है।